बचपन से हमने भूतों और प्रेतों की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। उन कहानियों में ऐसा कहा जाता था कि भूत प्रेत आत्मा जैसी चीजें सिर्फ कब्रिस्तान और सुनसान जगहों पर ही होती हैं। रात को अंधेरा होते ही वह कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर देती हैं। इसलिए लोग वहां पर रात में जाने से डरते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी आपको किसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर अकेले छोड़ दिया जाए तो वह मंजर कैसा होगा? आपके लिए शायद वह मुश्किल घड़ी होगी। भारत में ऐसे कई भूतिया रेलवे स्टेशन हैं जहां पर भूत प्रेत आत्माओं का बसेरा है और वो स्टेशन पर लोगों को अपने होने का आभास कराते हैं। आज हम आपको भारत के कुछ भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम। गुरुग्राम के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत की आत्मा कई सालों से भटकती रही है। लोगों का कहना यह है कि इस स्टेशन पर किसी औरत का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। यह आत्मा लोगों को मेट्रो स्टेशन के शीशे में से आंखें निकालकर और कई बार चेहरे पर खून लगाकर डराती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस औरत का बच्चा यहाँ खो गया था। जब वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और तब से लेकर वो आज तक अपने बच्चे को ढूंढ रही है और यह देश का सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन में से एक है। बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन। भारत के पश्चिम बंगाल में पुरतह जिले का एक रेलवे स्टेशन बेगुनकोडा, जहां पिछले 42 सालों से कोई भी ट्रेन नहीं रुकती क्योंकि माना जाता है कि वहां पर एक औरत की आत्मा प्लेटफॉर्म पर नाचती है और ट्रेन के साथ में दौड़ती है। यह स्टेशन पिछले 42 सालों से बंद है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि सन 1967 में एक रेलवे कर्मचारी ने सफेद साड़ी में औरत को देखने के बाद में मौत हो गई थी और यह कहा जाता है कि वहां के निवासियों ने भी किसी सफेद साड़ी में औरत को देखा है। इन डरावनी घटनाओं के बाद रेलवे डेवलपमेंट ने इस स्टेशन को बंद करने का आदेश दे दिया और पिछले 42 सालों से इस स्टेशन पर किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। लुधियाना रेलवे स्टेशन। लुधियाना रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र के ऑफिस में काम करने वाले सुभाष, जो यहाँ पर नौकरी करते थे, कहते हैं कि उनको अपनी नौकरी से बेहद लगाव था। अचानक उनका देहांत हो गया और उनकी आत्मा आज भी इस ऑफिस में भटकती है। लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा आसपास ही घूमती रहती है और पीठ थपथपाती है। उनको अपनी नौकरी से लगाव होने के कारण उनकी आत्मा नहीं चाहती कि कोई उनकी कुर्सी पर बैठे। जब भी किसी ने उनकी कुर्सी पर बैठने का प्रयास किया है, या तो वो पागल हो गया है या वो अपनी जान से हाथ धो चुका है। इन घटनाओं को देखते हुए सुभाष की इस कुर्सी पर कोई नहीं बैठता है और उनका ऑफिस का रूम लॉक कर दिया गया है। उनकी आत्मा रात के समय लोगों को यहाँ पर नजर आती है और उसकी वजह से अंधेरा होने के बाद इस स्टेशन पर सन्नाटा पसर जाता है। चित्तूर रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। चित्तूर रेलवे स्टेशन पर कई लोगों ने एक आत्मा को महसूस किया है। यह आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। यह आत्मा CRPF के अधिकारी वीर सिंह की है। इस अधिकारी की हत्या 31 अक्टूबर केरला एक्सप्रेस में ड्यूटी के वक्त कर दी गई थी और उनकी लाश को यहाँ फेंक दिया गया था और कहा जाता है कि उनकी मौत यहाँ फेंकने के बाद हुई थी। तभी से वीर सिंह की आत्मा न्याय की तलाश में यहाँ भटक रही है। हालांकि यह आत्मा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और लोगों की हमेशा से ही मदद करती आई है। कोई इंसान यहाँ पर आत्महत्या करता है तो उसे बचा लेती है। कई बार तो CRPF के वीर सिंह की आत्मा ने ट्रेनों के एक्सीडेंट होने से भी बचाया है। आज की डेट में यह आत्मा चित्तूर रेलवे स्टेशन को सुरक्षित रखती आ रही है, लेकिन फिर भी लोग अंधेरा होने के बाद यहाँ जाने से डरते हैं। रवीन्द्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। रवीन्द्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के ट्रैक पर आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। लोगों का मानना यह है कि अगर रात में आखिरी ट्रेन पकड़नी हो तो आपको इस स्टेशन पर डरावनी आवाजें सुनाई देंगी और कई बार तो रात में आत्माएं भी दिख सकती हैं। यहाँ पर लोग रात में आने से डरते हैं। इन घटनाओं की वजह से सरकार ने अब आखिरी प्लेटफॉर्म पर जाना बंद करवा दिया है और यहाँ पर रात के समय RPS के 15 से 20 जवान तैनात रहते हैं। नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नैनी रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन माना जाता है। लोगों का कहना यह है कि यहाँ के नैनी जेल के करीब इस रेलवे स्टेशन पर सोल्जर्स की आत्मा मौजूद है जिनकी मौत जेल में बेहद ही दर्दनाक तरीके से हो गई थी। माना जाता है कि काफी लोगों ने इन आत्माओं को देखा है और महसूस भी किया है। हालांकि यह सोल्जर्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पर वह कई लोगों को नजर आते हैं। लोग जब यहाँ आराम कर रहे होते हैं
तो उन्हें इन सोल्जर्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वो आपस में बातें करते रहते हैं और कई लोगों के पास से गुजरते हैं जिसे लोग काफ़ी डर जाते हैं। हम जब भी ट्रेन का सफ़र करने के लिए जाते हैं तो कुछ वक्त रेलवे स्टेशन पर ही बिताते हैं, पर वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी ही नहीं मौत के बाद का भी सफ़र इन स्टेशन पर ही बिताते हैं और यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों को अपने होने का आभास कराते हैं, और इसी वजह से ये रेलवे स्टेशन भूतिया हो चुके हैं। क्या आपका कोई ऐसा अनुभव रहा है? क्या आपने कभी कोई भूत प्रेत आत्मा को महसूस किया है? अगर आपने महसूस किया है तो अपने अनुभव को कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले और भी वीडियोस को आसानी से देख पाएं। हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।